दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट देते हुए ये बताया है कि जो 125 सीआरपीसी के जो केस होते हैं, जो मेंटेनेंस का केस होता है, अगर उसमें कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से उसका सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करने के लिए बोलती है तो वो हस्बैंड के राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस केस में जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड से उसका सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करने के लिए बोला, जिसके बेसिस पे जो कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, वो आराम से जो मेंटेनेंस कितना रखा जाए उसको डिसाइड कर सके। इसके अगेंस्ट जो हस्बैंड था उसकी ये प्ली थी कि ऐसा करने से उसका जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंडर, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसका वॉयलेशन होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा करने से, सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करने से जो हस्बैंड है उसका जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वॉयलेशन नहीं होगा। दोस्तों इस केस के बारे में और डिटेल में बात करने से पहले इस केस की टाइटल जान लेते हैं, जिससे आपको भी अगर ये सर्च करना हो, जजमेंट पढ़ना हो, तो आपके लिए भी इजी होगा। दोस्तों इस केस का नाम है, इस केस का टाइटल है राशि गुप्ता वर्सेस गौरव गुप्ता। दोस्तों इस केस में हुआ कुछ ऐसा था, इस केस में जो वाइफ है उसने, जो नीचे ट्रिब्यूनल है, जो फैमिली कोर्ट है, उसमें उन्होंने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। मेंटेनेंस का केस में जो वाइफ है उसने कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट रखी, ये प्लीड किया कि सही तरीके से मेंटेनेंस बांधने के लिए जो हस्बैंड है उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि वो अपना सैलरी स्लिप ऑन रिकॉर्ड रखें, जिससे कोर्ट के नोटिस में भी ये आ जाए कि एग्जैक्टली उनकी कितनी इनकम है, वो कितनी सैलरी पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पति के जो काउंसिल थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने अपना पक्ष कुछ इस तरीके से रखा। उन्होंने बोला कि अगर जो हस्बैंड है, उनके जो क्लाइंट है, अगर उनकी सैलरी स्लिप ऑन रिकॉर्ड प्लेस करने को बोला जाता है तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उनका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है या उनका जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन होता है अगर वो ऐसा करते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने एक और भी पक्ष अपना रखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पक्ष रखा। उन्होंने ये बोला आर्टिकल 20 का जो सबसेक्शन 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर अगर कोई अक्यूज्ड है तो आप उसको उसके खिलाफ ही गवाही देने के लिए मजबूर या प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप पति को अगर ये प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का भी उल्लंघन होगा। दोस्तों इसमें हाई कोर्ट ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोली। इसमें दो आर्टिकल्स के अंडर जो हस्बैंड हैं वो चैलेंज कर रहे थे इस चीज़ को कि अगर वो अपनी सैलरी स्लिप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो पर्सनल लिबर्टी है या उनका जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन होता है, या ऐसा करने से उनको उनके ही विरुद्ध सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने बात की आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिल्कुल क्लियर बोलता है कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का जो राइट होता है उससे उसको डिप्राइव किया जा सकता है। और हाई कोर्ट ने दोस्तों ये भी बोला कि अगर हस्बैंड को उसका सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करने को बोला जा रहा है तो पहली बात तो यही है कि ऐसा करने से उसका जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है और उसके प्राइवेसी के अधिकार का भी वॉयलेशन नहीं हो रहा है। दोस्तों दूसरा जो है, हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो हस्बैंड के काउंसिल हैं, जो हस्बैंड का पक्ष है, वो ये है कि अगर वो अपनी सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करता है, अगर कोर्ट में वो अपनी सैलरी स्लिप रखता है तो उसका वो अपने ही विरुद्ध एविडेंस दे रहा है और ऐसा करने से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वॉयलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो पति है वो कोई अक्यूज्ड नहीं है, कोई अभियुक्त नहीं है, तो ऐसा करने से, सैलरी स्लिप प्रोड्यूस करने से उस व्यक्ति का जो राइट है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का उसकी क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अभियुक्त है ही नहीं, वो अपने विरुद्ध किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं दे रहा, इस वजह से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का भी उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो हस्बैंड है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो जानने के लिए उसका जो सैलरी स्लिप है वो ऑन रिकॉर्ड आना ज़रूरी है, और उसका जो सैलरी स्लिप है वो ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूस होना इस केस के लिए ज़रूरी है ताकि जो हस्बैंड है उसका फाइनेंशियल स्टेटस
कोर्ट डिटरमाइन कर सके और उसके हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स कर सके, तय कर सके। और ऐसा करने से, हस्बैंड को ऐसा डायरेक्ट करने से उसका किसी भी तरह का कोई भी राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है, और स्पेशली उसका जो राइट टू प्राइवेसी है उसका कहीं भी किसी भी प्रकार से वॉयलेशन नहीं हो रहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंत में ये बोला कि अगर हस्बैंड अपनी सैलरी स्लिप रिकॉर्ड पे लाने से मना करता है, रिफ्यूज करता है, तो उसके विरुद्ध ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है जिससे कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है कोर्ट उसको तय ना कर सके। और अगर वो ऐसा करता है कोर्ट का डायरेक्शन होने के बाद भी, तो जो कॉन्ट्ररी इन्फ्रेंस है वो हस्बैंड के विरुद्ध ही जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल जजमेंट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स को जानने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करना और मुझे YouTube पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।